नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज दूसरा दिन है हमारा थामड़गांव और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। दोस्तों एक बात शेयर करना चाहूंगा आपसे, इस जगह पे आके मुझे एक सबसे खास बात जो लगी, तो ये जो होम स्टे है गणेश भाई का, ये गांव के सबसे टॉप पर है और जहाँ तक आने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड ट्रैक नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से आपको पूरा वैली व्यू दिखता है, माउंटेन व्यू दिखता है, पूरा विलेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सामने रानीखेत का व्यू है और इस तरफ मछवाली का व्यू है और अभी हम लोग निकल रहे हैं छोटे से ट्रैक के जो यहाँ से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से दोस्तों अगर आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सुबह जल्दी उठ के आना पड़ेगा और जगह पर आप नेचर की साउंड के बीच योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नेचर से गहरा लगाव रखते हैं और नेचर को करीब से फील करना चाहते हैं, उसके शांत संगीत को सुनना और समझना चाहते हैं, तो आपको इस होमस्टे को अपने फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में ऐड कर लेना चाहिए। यहाँ आके आपको प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इसको एक टाइप का मशरूम हुआ ये। अच्छा, इसको यहाँ वैसे घड़घुड़ बोलते हैं, इसकी सब्जी बनती है। जब इसको आसमान गरजता है ना, जैसे बादल बरसते हैं और आसमान वो होता है ना, बादल बरसते हैं, बारिश होती है, बिजली तब ये अपने आप ही निकलते हैं। नहीं ये तो सही है, हल्का खराब है इसमें। देखो ये भी दो होते हैं, ये ब्राउन है फाड़ने के बाद, ठीक है, और एक व्हाइट होगा। गणेश भाई हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए मैगी बना रहे हैं और साथ में साथ देसी अंडे उबालने के रखे हुए। तो दोस्तों आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है वो पहाड़ी मैगी के साथ देसी अंडे का हम मजा लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ये होमस्टे का आपको कुछ शोरूम वगैरह दिखा सकता हूँ। ये रूम शायद आपको मैंने रात को भी दिखाया था, यहाँ पर दो कमरे और एक कमरा ये तैयार होने वाला है। एक दूसरा बगल में भी एक और घर है जो पहाड़ी घर है, जो शायद पहले के जमाने में इस तरह के घर हुआ करते हैं। अभी आजकल के टाइम पे आपको ऐसे घर मतलब बहुत ही कम दिखने को मिलेगी। दोस्तों इन घरों में रहने का एक अलग ही मजा है, वो मजा शायद आपको जो लेंटर वाले हैं या ईट वाले जो घर बने उसमें वो फील आपको नहीं आएगा, जो फील आपको इस घर में रह के आएगा। ये यहाँ पर ऐपण किया हुआ है सीढ़ियों पे और घर के अंदर भी काफी सुंदर डिजाइनिंग के लिए गई है और ये बहुत पहले की डिजाइन इस पे बने हुए हैं। देखिए अंदर से पूरा मिट्टी का लेप किया हुआ है। पे जो कुंडी लगी हुई है अभी ये आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगी, अंदर लाइट बहुत ही कम है। अब
आप अंदर से देख सकते हैं कितनी साफ सफाई। इस वाले घर में दोस्तों हमारे पास चार कमरे हैं। ये देखिए अभी भी ये लकड़ियां काफी मजबूत हैं। और ये सामने भी काफी जगह खाली पड़ी है, यहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करके या कुछ हरी सब्जियां भी हम यहाँ पर लगाने के विचार में है। तो जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ता जाएगा ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।